शेर सिंह, तेरी शादी हो गई क्या? नहीं मैडम जी, क्या बात, मेरे रिश्ते की बात चल रही है क्या? तुझे खुश करना था, उदास खड़ा था ना, बस इसीलिए तुझे पूछ लिया। ओहो मैडम जी, उदास तो इसलिए खड़ा हूँ, सुबह से कोई मुर्गा ही नहीं आया ना। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। वो देख सपेरा। के बात मैडम जी, सांप देखना है क्या? अबे पागल चुप कर, मैंने सुना है कि सपेरों के पास खजाने होते हैं, खजाने, समझा? खजाना? हाँ, जा बुला के लेके आ। ओ सपेरे, आ भाई उरिया, आजा आजा आजा। हाँ? जय नाथांगी मैडम जी, जय संतांगी साहब जी। अरे मैडम जी, ये तो वही शराबी है। अरे बावले, तूने ये क्या सांग निकाल रखा है, और तू जोगी कब से बन गया? बस बस मैडम, नाथा की कृपा होगी, मैं चला गया मैडम पढ़ा पर बाबा रूपनाथ का, और रूपनाथ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली, और प्राप्त करने के बाद भाई मेरे का तंत्र मंत्र सब सीख गए, तो बन गया मैं नाथा का चेला। वो तो ठीक है, पर तेरी बीन कहाँ है? जोगी के पास बीन होती है ना? अरे मैडम जी, बीन का मत पूछो, बहुत ही दुख भरी कहानी है, बहुत ही दुख भरी कहानी। क्या कहानी है भाई? अवलदार जी, मैं पहाड़ों में गया था जड़ी बूटियां तलाश करने। अब तलाश करते करते पहाड़ों पर घूमते घूमते मुझे अचानक एक जंगी सांप, नहीं अवलदार जी, शेर, शेर आखड़ा सामने। अब भाई चेला रूपनाथ का मैं, अब मैं बोला भी चल आजा, आज काशीनाथ तेरे से दो दो हाथ करेगा। अब मैडम बीच जंगल में हमारे मुकाबले हो लिए, शेर के यार मैं तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा, पर मेरी कोई तुम्हारी बीण चाहिए, बीण दे दे। मैं कह रहा बावड़े, बीण से तू के करेगा, ये तो नाथा की जरूरत है, नाथ बजाओ इन्हें, सांप नचावा हम। वो कहता यार नाथ जी, मेरे को मेरी घरवाली शेरनी है ना, रोज उंगलियों पर नचाती है, उंगलियों पर, आज मैं उसको बीण पर नचाऊंगा। मैंने वो फिर बीण थी ना, गिफ्ट कर दी शेर को। ठीक है, पर एक बात ना अच्छी होगी कि तूने पीना छोड़ दिया। मैडम जी, पीना छोड़ दिया? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसको, ये नहीं छोड़ सकता शराब। जोगी, तू अब भी शराब पीता है क्या? ना 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 मैडम ना, आपा कभी ड्यूटी पर शराब नहीं पीते भाई। ड्यूटी? क्यों भाई, ड्यूटी के तू ऐसे चुलाग रहे के? देख साहब, हमारी ड्यूटी एसएचओ से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे? देखो मैडम, अब जिस प्रकार आप थाने में शराब नहीं पी सकते ड्यूटी के दौरान, क्योंकि आप पर वर्दी की जिम्मेवारी होती है, और मैं ड्यूटी पर शराब इसलिए नहीं पी सकता कि मेरे पर घर वालों की जिम्मेवारी होती है, और घर वाले मेरे को पीने नहीं देते भाई। अच्छा, तो घर वाले तुझे पीने नहीं देते, घर वाले तुझे कब से मना करने लगे, और तू कब से घर वालों की मानने लगा? ओह मैडम, मेरे घर वाले नहीं, मैं जिनके घरों में जाता हूँ ना, उनके घर वाले नहीं मना पीने नहीं देते, आप समझे नहीं मैडम जी। चल ठीक है, एक काम कर, कोई सांप सलेटा दिखा, कुछ मनोरंजन हो जाए। और मैडम जी, सांप सूप में के दरिया है, मैं तो ये कहता हूँ जड़ी बूटी से मैं सुरमा पीस के लाया हूँ काले सांप के सिर को, एक सुलाई डलवा लो हवलदार जी, आपकी आंख बाजवर्गी हो जाएगी, बाजवर्गी। हाँ सुने, वो गाना सुना है आपने, सुरमा आंख बिच पाया रड़के, सुना है? हाँ हाँ सुने हैं। तो ये वही सुरमा है, आपको मुजलिम 500 कोस दूर होगा, लेकिन दिखाई देगा ये यहाँ पर। मैडम जी एक सुलाई डलवा लो, मैं कहता हूँ एक सुलाई। अरे रुक जा, हमें नहीं डलवाना कोई सुरमा वुरमा, अरे पता नहीं क्या होगा। सोच लो मैडम जी, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कहा ना, पता नहीं कहाँ से तंत्र मंत्र सीख के आया ये।
तंत्र मंत्र भी है मैडम जी। तंत्र मंत्र मेरे पास बहुत जोर जोर के तंत्र मंत्र सीख आया हूँ। पहाड़ी में और गया किस लिए था मैं? अच्छा? तंत्र मंत्र सीखने तो गया था पहाड़ी में, क्या बात करते हो। अच्छा हाँ जी हाँ जी। तो फिर तू एक काम कर, अपने तंत्र मंत्र से ना इस शेर सिंह की शादी करवा दे बस। अब मैडम मंत्र संतरी क्या बात करते हो, आपने वो गाना तो सुना ही होगा रंजीत बाबा का कि मंत्र मार गई तू दिल लगनो हटागी जट दा। हाँ हाँ सुना है। वो जो औरत ने मंत्र मारा था ना वो काशीनाथ ने बना के दिया था। अच्छा। मंत्र तो मैं ऐसा मार दूंगा हवलदार जी, ऐसा मार दूंगा कि आप सीधा हवलदार से SHO बन जाओगे। SHO? हाँ मैडम है, आपको तो गांव वाले भी कहेंगे अरे तू केड़े ना थांदी चली। हवलदार भगाई से सबको SP बनाएगा, करेगा सबकी प्रमोशन। देख लो हवलदार जी प्रमोशन हो जाएगा। आया सबकी प्रमोशन करने वाला। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी है ये फलक फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है और इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपका मनोरंजन करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।